नरेंद्र मोदी के जुमलों से ये देश वाकई आतंकित हो चुका है। मतलब ऐसे जुमले फेंके जा रहे हैं कि लपेटने वाले लपेट ही नहीं पा रहे हैं। अब किसी सभा में कहा गया, मान्यवर ने कहा कि मैं 70 के दशक में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। अरे आप 70 के दशक में नहीं थे, और अच्छा ही हुआ आप नहीं थे, क्योंकि 70 के दशक में इंदिरा जी थी जिन्होंने दुनिया की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुपचाप नहीं बैठी। आप अब है ना, आप 14 से 24 तक आप ही आप थे, हर तरफ आप थे, हर नजारे में आप थे, हर फ्रेम में आप थे। क्या किया आपने? आप तो बहुत कुछ कर सकते थे। आप चाहते तो आप करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार बनाते, लेकिन आपने उनको पकौड़ा तलने की सलाह दी। आपने हजारों लाखों सरकारी पद खाली रखे जो उनको दिए जा सकते थे। आप चाहते तो आप महंगाई कम कर सकते थे, लेकिन आपने पेट्रोल को शतक पार लगाया, आटा दही दवाई पढ़ाई हर चीज पर टैक्स लगाया। आप चाहते तो आप गरीबी को कम कर सकते थे, लेकिन आपने इस देश के गरीब को और गरीब बनाया, और अमीर को और अमीर बनाया, और उस खाई को इतना बढ़ा दिया दोनों के बीच में कि देश के आपके जो अमीर मित्र हैं वो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं दिन का, और गरीब बेचारा 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहा है। आप चाहते तो आप मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकते, लेकिन आपने तो लाखों मजदूरों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवा दिया, पैरों में छाले और फफोले लिए वो विवश होकर पैदल चलते रहे, और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। अरे आप चाहते तो आप कोरोना का प्रबंधन करते, लेकिन आप तो मस्त थे अपनी ही दुनिया में, अपने ही रागलाप में। तो आपने हजारों लाखों को लाशों को तैरने दिया गंगा में। आप चाहते तो आप किसानों को MSP देते, कानूनी गारंटी देते उसकी, लेकिन आपने किसानों को छला, आपने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलवाए, आपने किसानों की सड़कें खुदवाई, उनकी कीले गड़वाई। आपने क्या क्या नहीं किया किसानों का, 700 किसानों की शहादत हो गई, आप देखते रह गए। आप चाहते तो आप महिलाओं के लिए इस देश को और सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन आपकी नाक के नीचे महिलाओं के खिलाफ अपराध होता रहा, और आप अपराधी और दोषी के साथ खड़े रहे, उन्हीं को संरक्षण देते रहे। आप चाहते तो आप हाशिए पे पड़े लोगों को मुख्य धारा में ला सकते थे, हम गिनती गिनती करते रहे, आपने हमारी एक ना सुनी। तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन करी है आपने जुमलों की बौछार, और करा है आपने बहुत लोगों को बरगलाने का काम। असलियत यह है कि 10 साल झुंझुना बजाया है आपने, लेकिन घबराइए नहीं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, इंडिया की सरकार बनने वाली, इंडिया की सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी जो पद रिक्त पड़े उनको भरेगी, 1 लाख का स्टाइपेंड देगी एक साल का, महिलाओं के खाते में खटाखट 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 1 लाख रुपए आने वाला है, किसानों को फटाफट फटाफट MSP की कानूनी गारंटी मिलेगी, उनका कर्जा माफ होगा, GST से उनकी खेती मुक्त होगी, हम मनरेगा का मानदेय बढ़ाने वाले हैं, 400 रुपए प्रतिदिन का करने वाले हैं, और हम गिनती करा कर रहेंगे, और गिनती कराएंगे हाशिए पे पड़े दलितों वंचितों आदिवासियों गरीब सामान्य वर्ग को मुख्य धारा में लाएंगे, जो आप नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपके पास तो प्रचंड बहुमत था, आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब समझ में आया आप तो बायोलॉजिकल ही नहीं है, ऐसे काम तो बायोलॉजिकल नेता करते हैं, तो आप कैसे करते?